दिन कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और गाइस टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। तो चलो चलते हैं मंदिर में, माथा टेकाते हैं। और हमारे निखिल भाई जी आ रहे हैं, उनके सुबह बहुत फ़ोन आए पर मैंने एक भी फ़ोन नहीं उठाया उनका, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया था। तो निखिल भाई थोड़े गुस्से में हैं इसलिए मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो पता नहीं कहाँ है वो। बहुत गुस्से में है भाई, देखिए नज़ारा। तो मैं लेट हो गया था क्योंकि प्री वेडिंग में गाइस थक गया था, कोई खड में कोई इधर उधर, इसलिए आज जो है जल्दी नहीं उठ पाया। तो करके निखिल भाई 7-8 फोन किए इसलिए गुस्से में। चलो कोई नहीं, वो तो हम मना ही लेंगे। चलो जय शंकर भोलेनाथ। निखिल भाई आ गया पीछे पीछे। चलो सर, चलो गुड मॉर्निंग। जय शंकर, जय शंकर। निखिल भाई का एक फोन नहीं उठाया था मैंने। बहुत बुरी हालत है। क्यों आप अलग रास्ते से आए? आज आज आप खिंड बने हुए थे। 6:25 से कितने फोन किए आपको? ओ भाई ये तो बड़ा पानी भाई, देखो पानी पानी। निखिल भाई ने माल्टू को फोन किया था मुझे उठाने के लिए, तो माल्टू ने बोला कि मैंने उठा दिया पर उसने नहीं उठाया मेरे को। अब भाई फोन कर रहे हैं मेरे से, देखते हैं। तालकना खड़ोता घर है बाहर, बोले तो है उठा तो है नहीं तालकना थी, नानी गया हूं उठाना। तू गट के छितर हो ही है रहा हूं ना, ये नहीं है रहा, बर्बाद हो गया तू। तो उठाया नहीं ना अभी तक, लो लिया उठे तो है नहीं नानी के, हूं उठाना पता हूं उठाया है नानी। हां लो लिया ना, ठीक है ले लिया मैं ठीक। वैसे कि माल्टू ने झूठ बोल दिया कि भाई उठाया था, पर वो मेरे को आया नहीं था उठाने, मैं खुद उठाऊं। मंदिर में पहुंच गए हैं, अब कर लेते हैं दर्शन। जय भोलेनाथ। गाइस जैसा कि मैं निखिल भाई को बोल रहा हूँ, आज हम जाएंगे खीर गंगा, पूछते हैं क्या आज हम जाएंगे खीर गंगा। बोलिए। ठीक है ठीक है। हैं बोला है? आज हम जाएंगे खीर गंगा में, यहाँ से पैदल पैदल। कह रहा है आपकी जहाँ चलेंगे चल पड़ेंगे। ठीक है तो जहाँ पीछे हाँ जाएंगे हम खीर गंगा। कल से फिर आप टावल ले पैदल पैदल फिर से, कल से फिर तो आप टावल सुबह 6 बजे टावल। ठीक है हम बाहर आएंगे फिर खीर गंगा में। ठीक है चलो। अपनी सेवा का योगदान देते हुए, सबके लिए चंदन घिसते हुए कि लोगों को तकलीफ ना हो, जैसे ही आए उन्हें चंदन मिले। ये हमारे नीलू भाई का प्रतिदिन का काम है, डेली वो चंदन घिस के जाते हैं और सेवक का आनंद लेते हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं। जाना नहीं भाई खीर गंगा? कल जाएंगे जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, कल जाएंगे। चलो जय भोलेनाथ। तो दोस्तों बात ऐसी है कि राणा जी आज आए हैं गाड़ी में यहाँ तक और मेरे साथ झूठ बोला, खुद लेट आए। ऐसा नहीं होता राणा, झूठ नहीं बोलना कभी। ठीक है मेरे से बोला कि टोपू गिर गया था, पर ऐसा कुछ नहीं था। गाड़ी में आए, गाड़ी में कैसे गिर सकता है टोपू बताइए जरा। अब कहाँ गई आपकी इतनी बड़ी जीभ? कहाँ गई? आपसे पहले आपको उठाने वाले कौन है? आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला। जय शंकर जय बाबा बहना। तो पहुंच गया था दुकान में, दुकान में हो गई ये पूजा पाठ, अब चलते हैं बैठते हैं दुकान में। क्या मिगो ये तो वैसे ऐसे कि टाइम हो गया 1:30 बज गया, तो मैं सोया था धूप में, नाना जी को खाना दिया था हूँ। चलो मज़ा आ गया धूप में सो के भाई।
एनर्जी बूस्ट हो गई मेरे अंदर। जैसे कि ढाई बज गए हैं, नाना जी को खाना दे के आ गया था, अब मैं भी खा लेता हूँ कढ़ी चावल। चलो क्या हमारे भाई पैसे मांग रहे हैं, पर पैसे इनको देने चाहिए, एक को पैसे आए हैं गया ना। जैसा कि आज है हमारे रिशु भाई का बर्थडे और भाभी जी के पास आए हैं, पर भाभी जी पार्टी नहीं करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ है ये लगी कम में मृगू चाचा। मृगू अपने काम में लगी है और भाभी जी अपने काम में लगी है, पर पार्टी नहीं करवाने। क्यों नहीं करवा रहे भाभी जी आप? ऊपर डिनर है बने था ना सारे, रोटी है, रोटी नहीं पार्टी, अलग कुछ अलग अलग तो चलो कोई नहीं। गाइस ऐसा कि टाइम हो गया 8:30, अब करते हैं छुट्टी और चलते हैं। आज है रिशु भाई का बर्थडे तो उनके घर में है डिनर, तो देखते हैं क्या क्या बना खाने में। तो चलो आज हम खाएंगे वहाँ पे खाना। रिशु भाई खुद तो है नहीं यहाँ पे, नहीं तो हम जाते मस्त पार्टी करते, पर क्या करें रिशु भाई जॉब में। तो चलो निकलना फिर। 9 बज गया, खाना पीना हो गया और खाने में बना था रायता था और चने ही थे, और जो रोटी थी बहुत ही टेस्टी थी भाई साहब, तली हुई रोटी थी बहुत टेस्टी थी। तो गाइस आज कब लोग तक खत्म मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।